नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पेट केयर में। दोस्तों हमें क्या है, आपसी तारा के साथ टाइम ही नहीं मिल पा रहा है तो इसलिए इसका वीडियो नहीं आया है। तो मैंने सोचा आज क्यों ना इसके साथ एक वीडियो बनाया जाए। ये देखिए, तो आज का जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही स्पेशल होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा आप, तभी आपको समझ में आएगा कि वीडियो कैसे स्पेशल होने वाला है। दोस्तों जब क्या होता है, हम हमारे घर में छोटा पप्पी लाते हैं, डॉगी लेके आते हैं, तो उससे बहुत सारा लगाव होता है हमें, और वो हमारे घर में चारों तरफ घूमता रहता है। और वो क्या करता है, अपने छोटे छोटे दांतों से जो हमारे घर में चप्पलें वगैरह रखी रहती हैं, कोई और सामान रखा रहता है, उसको काट देता है। उस चीज से हमें बहुत गुस्सा आता है और कई कई बार तो हम उसके पिटाई भी लगा देते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। हमें क्या करना है, जो हम हमारे घर में छोटा पप्पी लाते हैं उसके क्या है, जैसे हमारे छोटे बच्चे होते हैं उनके दांत निकलते हैं तो उनके खुजली चलती है, वो ही हिसाब उनके साथ में होता है। उनके भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वो किसी चीज को चबाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारी चीजों को अगर वो करेगा तो हमें गुस्सा आएगा और नुकसान भी होता है। देखो सारी चीजें होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, बाजार के अंदर खूब सारे खिलौने मिलते हैं, वो ला के दे सकते हैं। पर बात तो ये रही कि बाजार के अंदर खिलौने तो मिलते हैं, सभी को पता है, और वो थोड़े महंगे भी मिलते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे घर के अंदर कोई पुराने फटे पुराने कपड़े हैं, उनसे उसके लिए खिलौना बना सकते हैं और वो उसको दे सकते हैं। उससे क्या है, वो उसको चबाएगा तो उसको अच्छा लगेगा, और जो उसकी जो वो होती है ना एक्सरसाइज होती है उसकी दांतों की, वो होती रहेगी। एक ये ट्रिक कर सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं, छोटी छोटी कैल्शियम की बोन आती हैं, हड्डियां आती हैं उसकी, वो लाके दे सकते हैं। ये भी बहुत ही अच्छा रहता है, उससे क्या है वो कैल्शियम की बनी आती हैं तो उसको वैसे भी फायदा मिलेगा। और जो पप्पी बाइटिंग यानी वो चबाता है, उसकी जो वो चीज है वो चबाना चाहता है, वो भी पूरी हो जाएगी। तो ऐसे करके देखिए आप, पप्पी को लेके आते हैं तो उसके साथ में बहुत सारी खुशियां भी आती हैं तो परेशानी भी आती हैं। तो इस तरीके से हम उसको ये कैल्शियम की बोन लाके देंगे। इधर आओ, ये देखो, ये हमारी क्यूटी पाई है और हम इसको 45 दिन की लेके आए थे हमारे घर में, और अब ये देखिए हमारा शेर बन गया है। ये देखिए हमारा क्यूट सा प्यारा सा बच्चा है, ये शेर बन गया है। तो हम लेके आए थे तो पता है आपको, मेरे छोटे वाले बेटे की चप्पल पूरी काट दी इसने, तो उसको भी इतना गुस्सा आया और इसके एक चाटा भी लगाया। तो मैंने क्या किया, मैंने यही चीजें करी थी। मैंने पहले तो क्या, आप अपने डॉगी को समझा भी सकते हो कि ये चीज ऐसे है, आपको इसको नहीं काटना है, तो वो चीज भी मैंने की थी। और मेरी क्यूटी पाई एक ही चप्पल को खराब किया था इसने, उसके बाद में इसने कुछ ही चीज को खराब नहीं किया। और मैंने छोटे छोटे इसके लिए कपड़े के खिलौने बनाए थे, उसी से ये खेलती है, अभी भी रखे हैं मेरे पास में, वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। आ जाओ, अभी खेलने को लग रही है बाहर, हमारे काम चल रहा है, कोई मकान बना रहे हैं तो उसको देखने को लग रही है। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी मैंने दी आपकी पप्पी बाइटिंग के ऊपर। और एक और स्पेशल बात मैं बताऊं, आपको पता है या नहीं पता वो तो मेरे को पता नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। पर एक छोटी सी जानकारी कि आपके डॉगी के भी दांत टूट के वापस आते हैं। कई लोग क्या करते हैं, इस चीज से परेशान हो जाते हैं, हमारे डॉगी का दांत टूट गया क्या फिर से वापस आएगा। ये चीज भी मैं बता दूं आपको, हम इसको लेके आए थे तो मैं भी बहुत परेशान हो गई थी। तो मैंने नोटिस किया कि जैसे बच्चों के दांत टूट के वापस आते हैं, वैसे ही इन डॉगीज के दांत भी टूट के वापस आते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा हो तो बिल्कुल मत घबराइएगा, और ये नॉर्मल है, दांत टूटेंगे तो फिर से वापस आ जाएंगे। और जो ये चीज मैंने बताई आपको कि आपका डॉगी अगर बार बार में बाइट करे ऐसे और किसी चीज को काटे तो उसको मना कीजिए, ये एक आदत होती है, आप भी अपने डॉगी के अंदर डालिएगा, फिर वो धीरे 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 करके वो बंद कर देगा ऐसी चीजें। और फिर भी आदत होती है तो उस चीज को हमें, मैंने बताया आपको कि कैल्शियम की बोन ला के दे सकते हैं और उसकी जो खिलौने बना के दे सकते हैं, ऐसी खूब सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं।
छोटा सा वीडियो बनाया। अगर आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारी ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी।